शांति। आज की तारीख है 12/1/16 और आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्री मत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले ही समझ लेंगे। कई तो इसमें भी मूंझ ही जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मुंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। धारणा के लिए मुख्य सार की दो धारणा की बातें। नंबर एक है, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। नंबर दो, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान है आज का, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। बाप दादा कहते हैं, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि मैं और बाबा तीसरा न कोई। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे डबल लाइट स्थिति के लिए आज क्या अनुभव करेंगे। तो अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा यानी फरिश्ता स्थिति द्वारा अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति का अनुभव करो। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनी कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। ओम शांति।